हिमानी जो उसके साथ हुआ उसके उसको लेकर बहुत परेशान होती है। वो घर जाती है और अपनी मम्मी को उस सब चीज़ों के बारे में बताती है जो उसके साथ आज हुआ। सीन टू, हिमानी अपनी मम्मी से बात करती है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। बेटा क्या हुआ? आंटी रास्ते में कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, उसी लड़के ने परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है। मैं ऐसे हर बार छोड़ना होता है, मेरे को पसंद नहीं आया। हिमानी बहुत परेशान होती है। कोई बात नहीं, इसको समझाऊंगी। लेकिन उसकी मम्मी कहती है चलो इसको समझा दूंगी, ये तो आजकल चलता ही है। सीन फोर, हिमानी की मम्मी उसको सब कुछ समझा के फिर भेजती है स्कूल, लेकिन आज फिर उन लफंगों ने उसे बीच सड़क में छेड़ दिया। सीन थ्री, अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर भी तो, पुरुष जन्म लेकर भी तो इन्हीं की गोद में पलता है, इन्हीं की गोद में पलता है। हिमानी को आज फिर बच्चे छेड़ देते हैं। वो घर आती है और सब बताती है जो उसके साथ हुआ। वो सोचती है कि ये जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तभी उनके दिमाग में आता है कि मार्शल आर्ट्स इन सब समस्याओं से लड़ने का एक बहुत अच्छा हल है। हाँ मैंने कहीं सुना था कि मार्शल आर्ट्स लड़के को खाना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए, कल मैं इसी का ही पता करूंगी। अगले दिन हिमानी की मम्मी उसको कराटे क्लास ले जाती है, वहां वो कराटे सीखती है। हिमानी की मम्मी कराटे सर से बात करती है और उनको सब बताती है जो उनकी लड़की के साथ हो रहा है। कराटे सर उसको सब बताते हैं कि क्यों कराटे ज़रूरी है और उसको वह क्यों करना चाहिए।
अब इसी के साथ हिमानी, रंजना और सपना कराटे क्लास में आती हैं और सीखती हैं कि कैसे उनके साथ वो कराटे को कैसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। सतनाम ओशन अभिमानी कराटे सीखने लग गई थी। उसके अंदर एक विश्वास जग चुका था और उन लड़कों को कुछ नहीं पता था कि वो कराटे सीख रही है। वो फिर जाती है और लड़के उसको छेड़ते हैं, लेकिन इस बार अंजाम कुछ अलग होता है। ये आया पहला बंदा, ये यहीं पे गया। दूसरा ये खौफ दोनों के बीच में, और तीनों ढेर। क्यों जरूरी है कराटे, शायद अब इन लड़कों को समझ आ गया था। अब एक लास्ट में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध कविता है, नारी सिर्फ उपभोग की वस्तु है ऐसा कभी कबूल मत करना, नारी को अबला समझने की कभी भूल मत करना, नारी अंबर है कोई शीशे की दीवार नहीं, नारी शक्ति है किसी की मोहताज नहीं, संघर्षों से टकराना उसको भी आता है, मुश्किलों से गुजरना उसको भी आता है, प्यार से देखोगे अरे प्यार से देखोगे तो उसकी ममता नजर आएगी, नफरत से देखोगे तो वो दुर्गा काली बन जाएगी, नफरत से देखोगे तो वो दुर्गा काली बन जाएगी। सपना बाकुनी डेमोन्स्ट्रेशन।